ओम। चलिए एक बार हम सब मिल करके परमपिता परमात्मा का गायत्री मंत्र से जाप करते हैं, अपने हृदय में ध्यान लगाएंगे और परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे, हे ईश्वर हमारे को बुद्धि दे ताकि हम विद्वान बन सकें, बलवान बन सकें, धैर्यवान बन सकें। तो एक बार सर्वप्रथम परमात्मा का गायत्री मंत्र से सभी मिल करके हृदय में ध्यान लगाते हुए जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, सभी को नमस्ते। देखिए सर दयाचार्य अभयार्य जी ने अनेकों बार आपको ये संबोधित किया है कि अब की बार हमारे विद्यालय में जैसे आर्य वीर दल का शिविर नहीं लग पाया है, लेकिन उसके उपरांत भी कभी शनिवार को अनेक शारीरिक व्यायाम या दौड़ वगैरह करवाते रहते थे, लेकिन अब इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम आपके सामने इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं, और उन सब से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कोई भी आप फिजिकल वर्क करो, शारीरिक क्रियाएं करो, व्यायाम करो, दौड़ करो, योगा करो, कोई भी आप स्पोर्ट्स संबंधी जो शरीर से आप करना चाहते हैं, सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो वार्मिंग अप का होता है कि शरीर को गर्माया कैसे जाता है, शरीर गर्माने का क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ मिलते हैं। एक तो शरीर को जब आप किसी भी खेल के दौरान जब वार्म अप करोगे तो आपको चोट नहीं लगेंगी। कई बार कहते हैं बच्चे के मेरे को मोच आ गई, उसका मेन रीज़न यही होता है, और अपनी देसी भाषा में कहते हैं कई बार के मांस फट गया, उसका रीज़न यही होता है कि हम आलसी होते हैं और हमारा शरीर वार्म अप नहीं होता, उस स्थिति में झेलने का नहीं होता शरीर जो हम खेल रहे हैं। अर्थात सबसे फर्स्ट जो आता है वो शारीरिक क्रियाओं में व्यायाम गर्माना आता है, वार्मिंग अप, और ये तीन चार प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो शरीर की जो क्रियाएं करते हैं उससे वार्म अप हो जाओ, वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है। और दूसरा क्या होता है, कई बार आदमी जो पेय पदार्थों से भी शरीर को गर्माया जाता है, पेय पदार्थों में कैसे आ जाएगा, जैसे चाय कॉफ़ी ये गर्म चीज़ पी लेते हैं, गर्म पानी भी पी लेते हैं, ये शरीर को अंदर से क्या करते हैं कि हमारा शरीर जो है वार्म अप हो गया। कई बार क्या करते हैं, कई आलसी जो लोग होते हैं वो नशीले पदार्थों से भी शरीर को गर्माने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा देश जो प्राकृतिक है, जो बिल्कुल सबसे साधारण है, वो वार्मिंग अप जो है वो शरीर की है। तो मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ कि हमें शरीर को कैसे गर्माना चाहिए। कुछ तो जॉगिंग के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे बाहर नहीं निकल सकते और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जा सकते, पार्क या स्टेडियम ग्राउंडों में नहीं जा पाते, तो आप अपने घर की छत पर हैं या फिर आप घर के आंगन में हैं, तो वहां पर शरीर को कैसे गर्माया जाता है तो मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं, आप साथ साथ करने का प्रयत्न भी कीजिए। ये सबसे नेचुरल सबसे बेस्ट विधि यही है शरीर को वार्म अप करने की। इससे कोई भी आप फिजिकल एजुकेशन का काम करोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, मोच आदि नहीं आएंगी और आप बिल्कुल फिट भी रहोगे। तो देखिए आपको एक स्थान पर, आपने जिम में भी देखा होगा जैसे मशीनों से दौड़ लगाते हैं, उससे भी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हमारी है, मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं, आप धीरे धीरे यही दौड़ते रहिए, पंजे पंजे पर दौड़िए, बिल्कुल हल्के हल्के दौड़ते रहिए और आराम आराम से एक प्रकार से आपकी जॉगिंग होगी, पैरों को उठाते रहिए, पंजे पंजे पर आप चलते रहिए और बिल्कुल नेचुरल आपकी ये जॉगिंग हो जाएगी। ज़्यादा स्पीड भी एकदम मत करना, आप थक जाओगे, बिल्कुल हड़के हड़के रखना, पंजे पंजे पर रखना, ये आपकी जॉगिंग हो रही है, इससे आपके पेट से लेकर के थाई और पंजों तक आपकी एक्सरसाइज पर पूरा प्रभाव पड़ेगा और आपको थोड़ा थोड़ा सांस भी चढ़ने लग जाएंगे। ये आपकी वार्मिंग अप की क्रिया, आप जितनी बार जितनी देर आप इसको कर सको आप करना, ये वार्मिंग अप की होती है। दूसरा इसी में आप एक्सरसाइज में ले लो, जैसे आपने जॉगिंग की थी ना, फिर इस पर पंजे पंजे पर जंप ले लो, आप ऊपर जंप ले लो, जितना उसके ऊपर जाओ आप पंजे पंजे पर जाओ, आप पंजे पंजे पर ऊपर जंप ले लो और जितनी बार करो कर सकते हैं, इसमें हाइट में बेनिफिट होगा आपको। इसी में आप फिर चेंज कर दो, इसको साइडों में ले लो, पंजे पंजे को दोनों साइड ले लो, पंजे पंजे पर लेते रहो साथ में, फिर इसको ऐसे खोलना भी शुरू कर दो धीरे धीरे, और फिर ऐसे भी शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक घुमाते रहो। अगर आपके पंजे इधर हैं तो अपर बॉडी दूसरी साइड, अपर बॉडी दूसरी साइड है तो पंजे इधर, ये करो आप, ये भी बहुत बेनिफिट है, वार्म अप के काम में आएगी आपके। और साथ में एक लेग से पंजे पंजे पर दूसरी लेग को मोड़ते रहो और जंप करते रहो, इसी प्रकार से ये साइड में ये लेते रहो, ये हो जाएगा आपका, फिर जंप हो जाएगा। ये जो क्रिया है ये जॉगिंग की है। इसके साथ साथ मैं आपको
थोड़ी सी बैक रनिंग भी कर लेनी चाहिए साथ में, जैसे बैक रनिंग आपकी इधर से देख रहा है, ऐसे थोड़ा सा आगे ये भी कर लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ फिर आपको थोड़ा सा इधर ऐसे एक्सरसाइज, एक साइड इधर वही हाथ ऊपर और दूसरा इधर वही नीचे, ये वार्मिंग अप की क्रियाएं है सारी, ये करोगे तो आप पूरी तरह से वार्म अप हो जाओगे। बोलो चलिए। देखिए बहुत बढ़िया, श्री जगदीश जी ने आपको जो नेचुरल वे है वार्म अप का वो बताया है, और मशीनों का आदि जो सहारा लेते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, हम उनको भी नहीं कहते वो गलत हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मस्तिष्क का कार्य करने वाले हैं विद्यार्थी उनके लिए ये कितना बढ़िया है, जो अस्थि मज्जा को उनसे लेकर और कोशिकाओं तक लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी इससे आती है। और इससे आगे कोई कठोर व्यायाम आपको करना है उसमें भी ये आपकी सहायता करता है, वार्म अप होने के बाद वो मांसपेशियों में जो अनुचित रूप से दबाव है वो नहीं आता और प्रसन्नता पूर्वक आप इस तरह व्यायाम कर सकते हैं। ज़रूर ये सुबह उठ कर, और उन बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी हैं जो ज़्यादा दबाव का व्यायाम नहीं कर पाते, जो मस्तिष्क का ज़्यादा कार्य करते हैं उनको तो अवश्य करनी चाहिए। तो इसमें जैसे हमने बताया था आपको जंप वाली एक्सरसाइज है, जंप वाली एक एक्सरसाइज और भी है, अगर आप करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने ऐसे पंजे पंजे पर जंप किया, आप घूमते भी रह सकते हो उस पर, साथ में पूरा बॉडी घूमती रहेगी। और अब आके देखिए जो एक्सरसाइज है वार्म अप की है, पहले आप यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा पैर खोलिए, एक हाथ को ऊपर ले जाओ, दूसरा नेचुरल अपने आप यहाँ आ जाएगा, फिर इधर ये शरीर का जो हिस्सा है ये भी घूमता रहेगा, इधर एक हाथ से, पहले एक हाथ से करिए, साथ के साथ करते रहिए। अब दोनों को ले लो, आप दोनों हाथों को ऊपर, चाहो तो आप यहाँ मिला भी सकते हो और चाहो दोनों को ऐसे रख भी सकते हो, बड़ा खिंचाव आएगा शरीर से पीछे, पैरों से, कमर से, आप थोड़ा सा झुकोगे चेस्ट निकलेगी, दोनों हाथों से खिंचाव पूरा आएगा आपका, ये करते रहिए। ध्यान से देखते रहेंगे, ये रिपीट करना जिसको आ गया। ये करते रहिए, इसके साथ साथ है आपको एक चीज़ और, ये हमने ऊपर की थी, अब हाथों की एक्सरसाइज, आप एक हाथ को घुमाइए, फिर इसको सुलटा, अब इसको सुलटा और फिर वापस, ये हाथ घुमा सकते हैं, बड़े आसान है, इसलिए एक हाथ को फिर राइट को आप उल्टा और इसको सुलटा, ये घुमाइए आप दोनों, बड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा कठिन लगेगा, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है ये, एक हाथ आगे और एक पीछे घूमना, कि पूरे शरीर का सर्कल बन जाएगा इसका माइंड से, भैया क्या आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, और फिर इसको आगे घुमाइए और फिर इसको पीछे ले जाइए, ये करिए आप, ये सबसे अच्छा लगेगा, ये क्रियाएँ कीजिए। और जब आप वार्म अप हो जाओ, थोड़ा सा सांस चढ़ जाएंगे, उसमें आप थोड़ा सा शरीर को बेंड करो और ऐसे थोड़ा सा हाथों को ले जाओ, नीचे जाओ तो सांस को भर लो, पूरा छोड़ दो, ठीक है, ये करो आप, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, पैरों को हिलाते रहो, वार्म अप होते रहोगे और सांस जो आपके होते रहेंगे। इसके साथ साथ खाली नहीं खड़े रहना, अगर जब आपको सांस चढ़ जाए वहाँ तो इसको पैर को नीचे रख के टकने को अराउंड, ये भी, और फिर साथ में इसको भी घुमाते रहो, इसको उल्टा भी घुमा सकते हो आप खड़े खड़े, कई बार बच्चे चक्कर आ जाते हैं, एक जगह खड़े होते हैं या आपका स्टेमिना नहीं बन पाता, सांस भी उतर जाएंगे और ये टकने की ये भी हो जाएगी, राउंड हो जाएगा बिल्कुल, इधर से भी और उधर से भी, ठीक। अब आइए आप सबसे पहले ऊपर आ जाइए, यहाँ गर्दन से ऊपर इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जैसे गर्दन वाली एक्सरसाइज हमने करनी है, पहले सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए, या हाथ यहाँ रख लीजिए, कई बार सीधे भी खड़े हो जाते हैं, यहाँ रख लोगे थोड़ा सा शरीर का बैलेंस बन जाता है, यहाँ देखिए आप बिल्कुल सीधे खड़े रहे, आँखें खोले रखना, इसमें चक्कर आ जाएंगे, न गर्दन को आगे सीधा पीछे, साथ में ये क्रिया ऐसे करते रहिए। और फिर जब आप 5 बार 7 बार 10 बार जितना आप कर सकते हो करें, उसके बाद में आपने सीधी की आगे पीछे से, अब इसको साइड में ले लो, बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल इधर रखते रहेंगे,
आप 10 बार 5 बार ये एक्सरसाइज कीजिए दोनों, गर्दन बड़ी रिलैक्स हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसी में एक्सरसाइज में क्या किया था हमने, साइड में कीजिए दोनों। अब इसी में इसको बिल्कुल यूं ढीली छोड़कर देखो, यहाँ से सारा खिंचाव हो जाएगा, जो जो आपकी नसें हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। तीन एक्सरसाइज होगी गर्दन की, चौथे वाली एक्सरसाइज क्या है, आप यहीं हाथ रखिए और आंखें खुली रहेंगी और पूरा राउंड इसका ले दो। आप 5 राउंड इसके लो, पूरा एक्सरसाइज आंखें खुली रखना, अगर आंख बंद करोगे चक्कर आ जाएंगे। और फिर वापस 5 बार उधर और 5 बार इधर, और फिर आप ना जो ये आँखों की जो ये पुतलियाँ हैं ना, ये अंदर जो इनकी भी एक्सरसाइज होती है, आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना और इनको देखो एक तरह से आप ऊपर लेके गए, नीचे लिखा ऊपर और नीचे नज़र, साइड में भी इनकी भी एक्सरसाइज होती है, इनको भी आप राउंड से ऐसे घुमा सकते हैं, इनके ऊपर भी बड़ा इफेक्ट होता है। ये पुतली नीचे ऊपर और चारों तरफ भी ऐसे घूम सकती है नज़र के साथ में, थोड़ी सी आँखें खोल के। ये भी बड़ा आपको गर्दन से ऊपर की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जैसे गर्दन की हुई, पुतलियों की हुई, ये वार्मिंग अप की हैं, ये भी आप कर सकते हो, बड़े लाभदायक होंगी। मैं आपका जो मानसिक रूप से आप बिल्कुल फिट रहने की एक्सरसाइज है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये जो आँख की जैसे बताई गई, कितना बढ़िया है, शरीर के हर अंग का। और मैं ही स्वयं बता रहा हूँ, मैंने ही पहली बार इसको सुना है, वो अनेक बार तनाव में आँखों में दर्द होना, वो भी तनाव की भी वजह हो जाती है। तो शरीर के जिस भी हिस्से का व्यायाम होगा वही स्वस्थ रहेगा और आत्मा प्रसन्न रहेगी। तो किस तरह से एक एक हाथ का, कैसे एक हाथ की क्या मूवमेंट है, दूसरे की उसके अपोजिट मूवमेंट है, तो ये साथ में मस्तिष्क का भी व्यायाम हो रहा है। तो हर बच्चे को अवश्य ये करनी चाहिए, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर आपको रिपीट करना चाहिए इसको। इसके साथ साथ जो अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारे जबाड़े से मुंह से भी संबंधित है, इसमें भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। चाहो तो हाथ यहाँ भी रख के थोड़ा सा दबा ले और उसमें भी ज़ोर से दांतों को पीछे दो, और या फिर साइड में भी जोर से भी इसको और साइडों में लेके जाओ, निचले हिस्से को इधर ले लो, ऊपर ले को इधर, थोड़ा सा दबा लो इनको। आपका पूरा जो ये जबाड़े वाला है इसमें भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, रिलैक्सेशन होगा। ये भी थोड़ा सा मुंह को कभी थोड़ा सा खोल लेना, फिर साइडों में लेना, बड़ा थोड़ा सा कठोर है लेकिन याद थोड़ा जब आपको ये पड़ेगा असर तो ये भी बिल्कुल फिट रहेगा। चबाने में कोई चीज़ आप चबाने में बड़ी आसानी से उस चीज़ को चबा सकते हो। ये एक्सरसाइज जो है गर्दन से ऊपर की एक्सरसाइज थी, इनको ध्यान से देखा है, इनको करने का प्रयत्न करना, बड़ी अच्छा रहेंगे। अब जो आगे की जो हमारी जो एक्सरसाइज है, कुछ पीटी हमने उस दिन करवाई थी, कुछ पीटी और करवाएंगे, बीच बीच में आपको थोड़ा सा और भी बताते रहेंगे। जैसे हमने पहले वाली जो पीटी अब हम दोबारा से जो शुरू करेंगे उसमें आना, बड़ी आसान आसान पीटी हमने आपको बताई थी। पीटी या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, आदमी अनेक तरह से कर सकता है, लेकिन कुछ जो है आपको बता रहे हैं आप उसको चेक कर लेना। जैसे वन पर दोनों हाथ सीधे रखेंगे, शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, खुले नहीं होंगे ज़्यादा, 1, उसके बाद यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नेक्स्ट चेंज। ये देखिए 1 पर यहाँ आ गए, 2 पर नीचे बैठ के, हाथ सेम रहेंगे आपके, गैप नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। 1 पर 2 पर आप बैठिए नीचे, इसमें आपके यहाँ से बड़ा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा शोल्डर पर भी जोर पड़ेगा। ये एक्सरसाइज है, इसको आप करने का प्रयत्न कीजिए, एक बार करके देखिए सभी। बहुत बढ़िया, रिपीट करेंगे सभी। कितना थाइज की भी एक्सरसाइज हल्के रूप में हो रही है, बिल्कुल बगैर किसी दबाव के, और हाथों के कारण शोल्डर्स की भी मूवमेंट है, उनकी भी एक्सरसाइज हो रही है। तो रिपीट करेंगे सभी बच्चे इसको, अवश्य करेंगे। इन्हीं चीज़ों में आनंद लेना चाहिए, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कोई ऐसे गंदे गाने सुनना, उनसे विनाश ही होता है।
और इससे जो ये करोगे आप जरूर मानसिक आनंद होगा, अवश्य रिपीट की होगी। जो बहुत बढ़िया अच्छे बच्चे हैं, सारे ही अच्छे हैं हमारे विद्यालय के, शाबाश। चलिए दूसरी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसका अभ्यास आपने किया जो वो है, वो एक्सरसाइज भी थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा शरीर पर बड़ा जोर पड़ेगा आपको। एक्सरसाइज होगी, आप वन पर हाथ रखेंगे, साथ की साथ में पैर भी आगे रख लेंगे और पंजे पंजे पर आ जाएंगे। हमने पहली वाली एक्सरसाइज में बता था ना, जंप जो भी लेगा, पंजे पर जो काम करेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी स्पीड भी नेचुरल बढ़ जाएगी। आचार्य जी ने पिछली वीडियो में बताया था ना कि एक कहावत भी है, जो पंजे पंजे पर रहेगा वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा, तीव्रता से करेगा। तो फर्स्ट पर हाथ ऐसे ही रहेंगे और ये भी आपका आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नेक्स्ट चेंज, ये भी आप करके देखिए। वन पर दोनों हाथ आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, एक लेफ्ट पैर पर ले आके आ जाएगा, टू पर यहाँ जाओगे, थ्री पर फिर जाओगे, फोर पर फाइव से इसको ले लो, फिर आके नाइन की एक्सरसाइज है वो इससे ले लो। आप एक बार करने का प्रयत्न कीजिए सभी साथ के साथ में। बहुत सुंदर, देखने में जो साधारण लग रही है आपको, ये बहुत बेनिफिट इनका शारीरिक और मानसिक है, जरूर करके एक बारी देखेंगे सभी बच्चे, शाबाश। कुछ ही सेकंड का वो समय है, देखो। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हमने पहले क्या किया था, एक एक्सरसाइज की थी, आपको ध्यान होगा, वन पर यहाँ थे, टू पर आगे आए थे, थ्री पर सीधे थे, फोर पर ऐसे थे, लास्ट एक्सरसाइज थी ना। अब इसके थोड़ा सा उल्टे, वन और टू, थ्री और फोर, आपने पहले वो आगे की थी, ये आपने बिल्कुल उसके उल्टे है, ये वापस जाएगी यहाँ से, पेट का खींचा होगा, चेस्ट का भी, और जो रीढ़ की जो हड्डी है उस पर थोड़ा सा जोर जरूर पड़ेगा, लेकिन वो मजबूत होगी। इसमें 33 जोड़े होते हैं जो लचकदार हो जाएंगे आपके, जितना इस एक्सरसाइज को इसको करोगे, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नेक्स्ट चेंज, ये एक्सरसाइज आप जितना करोगे, अगले शरीर से भी और बैक शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, अच्छी बेनिफिट होगी एक्सरसाइज। एक बार करने का प्रयत्न करेंगे सभी, करेंगे, शाबाश। और देखिए साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी आप पढ़ रहे हो, वार्म अप के कितने वो होते हैं, तरीके होते हैं, बेस्ट कौन सा है, जॉइंट का बताया जैसे अभी, और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये कितना बढ़िया वो है एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइज है सब के लिए, किसी आयु वर्ग का और शरीर की क्षमता है जो, वो कितनी भी है वो कर सकता है इसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी करवाएंगे, ये हाथों वाली करवाएंगे, हाथ और थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ, देखिए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नेक्स्ट चेंज, ये एक्सरसाइज है। वन पर क्या करेंगे, हाथ बिल्कुल सामने रखेंगे, सीधे ऐसे नहीं करेंगे, पीछे नहीं लेकर जाएंगे, नीचे ऊपर नहीं, बिल्कुल अपने शोल्डर के पैरेलल रखेंगे सभी, हाइट से और चौड़ाई से। वन पर यहाँ जाएंगे, टू पर यहाँ जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे आपके चेस्ट पर, ये ना तो शोल्डर से नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, ये आपके शोल्डर का बैंड बन जाएगा, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे आपके हाथ, यहाँ जाएंगे, आँखों में थोड़ा सा कष्ट होगा बाजुओं से आपके, यहाँ जाएगा, थ्री पर फिर सीधे चले जाएंगे, बड़ा झटका सा लगेगा एक बार आपको दिखाने में कि हाँ ये झटका लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नेक्स्ट चेंज, ये एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज है, हाथ थोड़ा मजबूत हो जाएंगे आपके, करने का प्रयत्न करेंगे सभी। बहुत 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 सुंदर एक्सरसाइज थी, और सभी रिपीट करके देखेंगे कैसे बॉडी के हर हिस्से का वो व्यायाम हो रहा है, और जो पहले
सीख चुके, पहली एक्सरसाइजों कराई थी पहले पीटी, तो वो और मैटर उनके पास इकट्ठा होगा। किसी दिन यदि ज़्यादा करने की इच्छा है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इनमें से चूज करके भी हर रोज़ कुछ कर सकते हैं। शाबाश, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, खड़े होने की एक्सरसाइज हमने बहुत की है, और भी आपकी माइंड में है वो भी आप कर सकते हो। दो तीन एक्सरसाइज आपको बैठने की और बता देते हैं, वो भी आप करने का प्रयत्न कीजिए। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल सीधे, कमर आपकी सीधी रहेगी, हाथ सीधे रहेंगे और एक्सरसाइज होगी आपकी। हाथ यहाँ से आप सीधे ले जाएंगे, वन वन पर यहाँ रख लेंगे, और टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नेक्स्ट चेंज। साइड में से हाथ ऊपर जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, आप सबके साथ उसको झुकाइए, जो पीछे कमर का बैठने के बाद जो हिस्सा है वो आगे की तरफ, गर्दन भी इसमें नीचे झुक जाएगी। ये शरीर की बैठने वाली बेस्ट एक्सरसाइज है, एक बार इसको करने का प्रयत्न करें, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अवश्य करेंगे सभी बच्चे। देखिए मनुष्य कितना बुद्धिमान है, जो सिंहासन, मंडूकासन, भुजंगासन आदि, और वो जो उस रूप में नहीं कर सकते, वो देखो कितना एक बढ़िया और वो किया है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से वो विकास करता रहता है, विकल्प खोजता रहता है कि किसके लिए क्या अनुकूल हो सकता है। आसन भी सभी के लिए वो अनुकूल हैं, लेकिन साथ में ये उनसे आरंभ में भी कर सकते हैं, ताकि उन आसनों को करने में और आसानी और वो रहे। पश्चितोमान आसन है, उसको करने में भी ये हर उसको आसन में करने में बैठ के जो किए जाते हैं उसमें ये सहायक हो सकती है। ये पीटी करेंगे, ट्राई करेंगे सभी, शाबाश। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये की थी, इसके बिल्कुल मिलती जुलती सी एक्सरसाइज है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नेक्स्ट चेंज। ये देखना, ये एक्सरसाइज उसी से बिल्कुल मिलती जुलती एक्सरसाइज है, जैसे हमने क्या किया था, हाथों को साइड में लिया था, इसको लेकर के चले गए वन पर, दोनों हाथ बिल्कुल यहाँ कानों से सीधे सटे हुए ऊपर चले जाएंगे, और टू पर यहाँ आ जाएंगे, थ्री पर फिर ऊपर चले जाएंगे, फोर पर नीचे आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने का एक बार प्रयत्न करें, तो इसमें जो है ना, यहाँ से शरीर के जो साइड से है या शोल्डर से है या फिर ऊपर हाथों से है, हाथों की भी एक्सरसाइज है, और यह शरीर के यहाँ तक पूरा खिंचाव रहेगा। आप सीधे बैठिए, झुकेंगे नहीं, इसको झुक के ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जो भी काम करो शरीर को थोड़ा सा टाइट करके रखना, कड़ा करना, और बिल्कुल सीधे बैठ जाना, और फिर करने का प्रयत्न करेंगे इस एक्सरसाइज को एक बार। चलिए रेडी हो जाइए सभी, मैं बोलता हूँ इसके साथ साथ में, आप इसको करने का प्रयत्न कीजिए। अटेंशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नेक्स्ट चेंज। किया आपने, अच्छा लगा होगा। एक बार फिर इसी एक्सरसाइज को करेंगे, बैठ के सीधा, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा श्वास अंदर की तरफ बढ़ो, सीधे बैठिए, बिल्कुल झुकेगा जो साइड में, जो झुक जाएगा वो गलत है, सीधे बैठे रहिए, और सीधे बैठ करके बिल्कुल इस एक्सरसाइज को करने का प्रयत्न कीजिए। एक मिनट का हम आपको समय देते हैं, करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने इस एक्सरसाइज को किया होगा, बिल्कुल सीधे बैठे रहिए आप, इसी से पैरेलल है। देखिए वन वन पर दोनों हाथ सीधे रखें,
बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे ना इधर ना पीछे, बिल्कुल सीधे, वन टू, ये हाथ बिल्कुल इधर सीधा आ जाएगा और ये पीछे की साइड जाएगा और ये हिस्सा आपका शरीर का गर्दन से यहाँ से ये बॉडी यहाँ से अपर जो बॉडी है वो इधर जाएगी, पीछे जो रीढ़ की हड्डी है इसका जो शरीर है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। इसको ऐसे रखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नेक्स्ट चेंज। एक बार इसको फिर देख लेंगे और फिर करने का प्रयत्न करेंगे। ये थोड़ा सा कष्ट होगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या था, यहाँ अपर बॉडी में पूरा थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। हाथों को साइड में रखेंगे, वन पर यहाँ ले आएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, वन पर यहाँ ले आएंगे, टू पर इधर करेंगे, थ्री पर फिर सीधे हो जाएंगे, फोर पर नीचे हो जाएंगे, और फाइव और सिक्स और सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नेक्स्ट चेंज। ये आपकी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने का एक बार फिर आप प्रयत्न कीजिए, थोड़ा सा शरीर को कष्ट होगा और साथ की साथ में थोड़ा सा हर एक्सरसाइज के करने के बाद थोड़ा सा हाथ लगा लेना, इससे थोड़ा सा शरीर जो है रिलैक्स हो जाएगा आपको। एक बार फिर इस एक्सरसाइज को करने का प्रयत्न करेंगे, कीजिए, शाबाश करो भाई। देख कितनी चेष्टा करनी पड़ रही है अध्यापक को, और आप चेष्टा नहीं करोगे तो वो प्रयास फिर वो नहीं होता फलीभूत, उसका वो लाभ नहीं होता। हर उसका लाभ लेना चाहिए विद्वानों ने, और जो लाभ लेने के इच्छुक हैं उन्होंने कैसे प्राणियों को देखकर भी व्यायाम, मयूर को देखकर मयूरासन, भुजंगासन, सर्प को देखकर उनसे भी सीख लिया। और कई बच्चे ऐसे होते हैं अध्यापकों से नहीं सीखते। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो एक्सरसाइज थी, वार्मिंग अप और एक्सरसाइज थी, वो हमने आपको बताई है। आप इनको प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए, करना आपके शरीर के लिए लाभदायक है। और अंत में कूल डाउन जो आता है उसको भी हम बता सकते हैं फिर, लेकिन वो ज़्यादा समय बताने का नहीं है। आप सबसे अच्छा जो कूल डाउन है आप करके देखना, सिंपल है। आप बिल्कुल सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, पैर थोड़े से गैप में पैर खोल लिए, और जो आपके हाथों की हथेली है वो भी आप साथ में रख लीजिए। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। देखिए श्वासन की मुद्रा बोलते हैं इसको, बिल्कुल चेष्टा नहीं होनी चाहिए शरीर में। आप ऐसे लेटिए और अपने अंतर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में एक बात धारण करना कि सुबह का या शाम का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, और आपने जितना परिश्रम किया था वो पसीना आपके ऊपर आया हुआ है। ये आपने लोटे लोटे अपनी अंतर आत्मा में सोचना है, और पूरा पसीना आपके शरीर पर आया हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो हमारी चोटी से निकल कर बालों से, और वो धीरे धीरे वो सारा पसीना सोखते हुए हमारी आँखों की पुतली से, पलकों से, नोक की टो से, और कानों के यहाँ नीचे से, और धीरे धीरे फिर हमारे गर्दन से यहाँ से नीचे आ रही है, और जो ये हमारी उंगलियाँ हैं, जो शरीर की अंदर की जो गर्मी थी, जो पसीना था, वो इनसे निकल रही है, और निकलते हुए वो शरीर से नीचे आ रही है, और पैरों तक आकर के पैरों की जो उंगलियाँ और अंगूठे हैं इनसे निकल रही है। धीरे धीरे आप आँखें खोलिए, इसको कम से कम 3 मिनट का समय आप जरूर दीजिए। लेट कर जो एक्सरसाइज, जो कूल डाउन किए, 3 मिनट में धीरे धीरे सोचिए, बड़ी ठंडी हवा चली, ऊपर से चली, पसीना सोखता हुआ नीचे आ गया, और धीरे धीरे जिन अंगों से मैंने बताया है इनसे निकल रहा है। धीरे धीरे आप आंखें खोलिए और धीरे धीरे बैठोगे तो एकदम आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अगर किसी को फिर भी थोड़ा बहुत ये लगता है तो डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत नहीं है। आप गुनगुने पानी से या फिर नमक डाल के उससे अपने पैरों से, जो ये पैरों की हड्डियाँ जो होती है ना, यहाँ पर आपका कई बार जोड़ या फिर यहाँ जाएगा यहाँ जाए, इससे थोड़ा सा सेकने का प्रयत्न करें। साथ ही साथ जैसे नहाने के बाद थोड़ा सा तेल की या मालिश फिर कर सकते हैं आप। इस तरह से आप कूल डाउन भी रहेंगे, वार्म अप भी रहेंगे, और ये एक्सरसाइज अब आप प्रतिदिन अपने हिसाब से करते रहिए, जिसके पास जो समय है, जिसकी जितनी अक्षमता है। ओम शांति।